चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। आगे आनी ओही बिलोटा, दारू बद नाम करी थी, नाम करी थी। दारू बद नाम करी थी, नाम करी थी। हे तानेरा तेरे आधे कार अबे जला ना, अबे जला, अबे जला ना यार, ठीक से जला, अबे जला ना, जला ना, अबे जल्दी जला, ठीक से जलाना। रचित, रचित, ये क्या बोले जा रहे हो? उठ जाओ ना, सुबह हो चुकी है। रचित, ये क्या बोले जा रहे हो? कोई सपना वपना देख लिया क्या? अरे यार, सपना था क्या? मैं भी सोचूं, ऐसा रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता। पर वैसे बोलते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, क्या पता मेरा सपना सच हो जाए। अरे यार, ये खुद ही खुद मन में क्या बोले जा रहे हो? कोई सपना वपना देख लिया क्या? ऐसा भी क्या सपना देख लिया? खैर छोड़ो, तुम्हें ऑफिस वगैरह नहीं जाना क्या? चलो उठो, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ, लेकिन एक काम करो, उससे पहले ना मेरे लिए फटाफट से गर्मा गर्म मसालेदार कड़कदार चाय बना दो। सॉरी, मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैंने आज अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। अबे पागल औरत, सुबह सुबह हाथों पे मेहंदी लगा के आ गई? रचित, तुम्हें याद नहीं है क्या कि कल करवा चौथ है, इसलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है? तुम फिर से भूल गए ना? मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, इतने आप एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बेटा, मैं तो चाय नहीं बना सकती, मेरे हाथों पे तो मेहंदी लगी है, क्योंकि कल करवा चौथ है। मम्मी, आप भी। दादी। हाँ बेटा। दादी, आप ही मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सॉरी बेटा, नहीं बना सकती क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है, कल करवा चौथ है ना। दादी, आप भी। मैं भी। यार। अरे यार स्वाति, इन सब ने तो करवा चौथ के चक्कर में मेहंदी लगा रखी है। यार तू एक काम कर, तू मेरे लिए चाय बना दे, मेरे को ऑफिस जाना, तैयार होने जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे भाई, मैं नहीं बना सकती चाय क्योंकि मैंने भी क्या? कुछ नहीं भाई। सुनो सुनो सुनो। हाँ, क्या हुआ? वो कल करवा चौथ है ना, तो कुछ पूजा का सामान लाना है, तो वो पूजा का सामान ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अरे सुनो तो सही, क्या क्या लाना है? तो ये मैंने इस लिस्ट में लिख दिया है। जल वाला कलश, करवा, नारियल, छलनी, रोली, टीका, पांच तरह के फ्रूट्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB, मैकबुक प्रो, डायमंड नेकलेस, डायमंड रिंग, गोल्ड इयररिंग, गोल्ड चेन, मैक का मेकअप, न्यू ड्रेस, ये सब क्या है? ये पूजा का सामान है। हाँ तो फिर करवा चौथ है तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे क्या? गिफ्ट तो बनता है। ये गिफ्ट नहीं, गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स। और करवा चौथ में तो मैं इतने सारे गिफ्ट्स दूं मैं। हाँ तो दे नहीं सकते हो क्या? ओए होए, तुम याद करो शादी से पहले क्या कहा करते थे? क्या कहा करता था? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या शादी से पहले क्या कहा करते थे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कहा करता था? याद करो क्या कहा करते थे शादी से पहले। बीबी दे तो, मैंने तलवा तोत का व्रत लगा है। ता, तूने तलवा तोत का व्रत लगा है?
तेली तो अभी दादी भी नहीं हुई, बता तू देख किसके लिए वाला तरक्का है। मैं तिल से ब्रेकअप कर रहा हूँ, मिल तो आती लड़की के दांत नहीं लेना, जिसकी अभी दादी भी नहीं हुई और उसने कल बात का वल्स रख लिया। बता अभी के अभी बता कौन है तेला पति, बता अभी। अले ले ले, दांत दो दो अभी भी, दांत दो दो। तोला का ब्लेन यूज करो, मैंने तुम्हारे लिए तलवा दांत का प्लग लगा है, तुम्हारे लंबे उम्र के लिए। हैं अत्ता बेबी, मैं तो पता नहीं ताई तो तलाता। अत्ता एक बात बताओ, अभी तो तुम मेरे लिए कलवा तोत का वल्स लग लियो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी अगर मेरे लिए कलवा तोत का वल्स लगोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना पाल करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद ताले जुपिटर मार्स सब कुछ तोल के ला सकता हूँ, और एक गोल्ड पोल तो बहुत छोटी चीज है। अले बीबी, फिर तो तुम मुझे तारों के शहर में लेके चलोगे ना? हाँ हाँ बेबी, वो भी फ्लाइट थे, तुम्हें तो मैं अपनी पलकों पे बिता के लगूंगा, तुम्हारे लिए तुम अपनी दान भी दे सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं दान नहीं दूंगा अपनी। क्यों 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 नहीं दोगे? क्योंकि मेरी दान तुम हो। हाँ तो आया कुछ याद, तो मेरा ये सामान आ जाना चाहिए। एक तरफ तो इसने मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, और दूसरी तरफ इतना सारा खर्चा करवा रही है। इसको डर नहीं लगता क्या? अगर मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो क्या फायदा? रचित भाई एक बात बता, आसपास कोई साड़ी की दुकान है क्या? अबे कैसी बात कर रहा है बे, साड़ी कब से पहने लग गया तू? अबे ये शौक कब से पाल लिया तूने? अबे कैसी बात कर रहा है यार, तुझे तो पता ही है कल करवा चौथ है, और मेरी बीवी ने मुझसे साड़ी मांगी है यार, वो भी सिल्क की। अब इतने पैसे मैं कहां से इकट्ठे करूं? अरे भाई तू तो बहुत किस्मत वाला है कि तेरी बीवी ने साड़ी मांगी है। भाई मेरी बीवी ने ना गाड़ी मांगी है, गाड़ी। अब गाड़ी कहां से लाऊं? तू एक काम कर, अपनी दोनों किडनी बेच डाल, उससे क्या होगा? भाई पर मेरी किडनी लेगा कौन? दोनों किडनी में तो पत्थर है। तो उन पत्थर को निकाल और अपने सर पे मार ले। चल चल चल। अरे भाई तू बता तेरी बीवी ने क्या मांगा है? अरे हाँ भाई, क्या मांगा इस बार भाभी जी ने? वो एक मिनट यार। ओ भाई बड़ी लंबी उम्र है, देखो तुम्हारी भाभी का फोन आ गया। हेलो। हेलो जी, क्या कर रहे हो आप, कैसे हो? अरे ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ अभी। तो आप घर कब तक आओगे, और खाना खा लिया आपने? अभी नहीं पता, आ जाऊंगा जब टाइम होगा तो। और हाँ लंच वंच कर लिया, और मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो, वो घर आते टाइम मेरे गिफ्ट्स लेते आना। अच्छा आते टाइम गिफ्ट्स लेके आने हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, एक चीज और। अब क्या हुआ? अगर तुम मेरे लिए बड़ा गिफ्ट लेकर आओगे तो मैं तुम्हें आटे वाली बड़ी चलनी से देखूंगी। अच्छा अच्छा। और अगर तुम मेरे लिए कोई छोटा गिफ्ट लेकर आओगे तो मैं तुम्हें चाय वाली छोटी चलनी से देखूंगी। अच्छा तो एक काम कर, तू ना सुई के छेद से देखने की तैयारी कर ले, ठीक है? चल बाय। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ना भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, चलो बाय। अरे आ गए आप, ये बैग मुझे दीजिए, आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी पीजिए। वो आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए क्या? इसका मतलब तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए ना? मुझे पता ही था तुम कोई गिफ्ट लेकर नहीं आओगे। अरे तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, और जब तुम्हें कोई गिफ्ट लेकर आना ही नहीं था तो तुमने साफ साफ क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आऊंगा? हमेशा ऐसे ही क्यों करते रहे, हाँ हाँ ठीक है ले आऊंगा, हाँ हाँ ला दूंगा, हाँ बस ले आऊंगा, क्यों बोला तुमने ऐसा? अरे तो क्या हो गया अगर मैं नहीं लेके आया गिफ्ट? तो हर करवा चौथ पे तेरे को गिफ्ट लाके देता हूँ ना, अगर इस करवा चौथ पे गिफ्ट नहीं लाया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और हाँ हर करवा चौथ पे मैं तेरे को गिफ्ट देता हूँ ना, तो एक काम क्यों नहीं करती, इस करवा चौथ पे तू मेरे को गिफ्ट दे देना। अच्छा क्या कहा तुमने?
क्योंकि मैंने तुम्हें आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। अरे जब से शादी हुई है, शादी तो छोड़ो, शादी से पहले से लेकर मैं आज तक तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ। दिन रात भूखी प्यासी रहती हूँ, गला सूखता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं व्रत रखती हूँ। किसके लिए? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ। तुम्हें बताओ, इससे बड़ा कोई गिफ्ट है? करवा चौथ के व्रत से बड़ा कोई व्रत है जिससे तुम्हारी उम्र लंबी हो? हाँ है ना, मौन व्रत रख ले और फिर देखियो कैसे मेरी उम्र लंबी होती है। Shut up! बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो तुम्हें इस करवा चौथ पे मुझसे गिफ्ट चाहिए ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, और तुम्हारा गिफ्ट ये है कि इस करवा चौथ पे तुम मेरे लिए व्रत रखोगे। मैं व्रत रखूंगा? क्या मैं लगा रखा है? जैसे भूखी प्यासी मैं रहती हूँ, जैसे व्रत मैं रखती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी रखना पड़ेगा। अरे मैं कैसे व्रत रख सकता हूँ? चुप, बोल दिया तो बोल दिया, तुम्हें व्रत रखना ही पड़ेगा। ओए होए, आओ नचिए गाइए। क्या फायदा? अरे बहू उठ जा। हाँ मम्मी जी। सुबह के 4 बज गए, सर्दी का टाइम हो गया, लेट हो जाएगा, उठ जा। उठ रही हूँ मम्मी जी। बहू, ओ बहू उठ जा जल्दी। जी मम्मी जी। उठ जा, सुबह के 4 बज गए, जल्दी उठ जा। अरे मम्मी जी अभी सुबह के 4 ही तो बजे हैं। अरे बेटा उठ जा, सर्गी का टाइम हो रहा है, वरना लेट हो जाएगी तू। अच्छा ठीक है, उठ रही हूँ। सुनो सुनो, उठो ना। अरे क्या है, सोने देना। अरे यार सुबह के 4 बज गए हैं, चलो मेरे साथ सरगी खा लो। मैं क्यों खाऊं सरगी? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था आज तुम्हारा व्रत है और तुम्हें सरगी खानी पड़ेगी। बार बार बुलवाना अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। लो तुम भी खा लो, फिर उसके बाद तुम्हें सारा दिन भूखा ही रहना है। अभी जो खा लिया सो खा लिया। ओए होए। हेलो बेबी, सुबह के ना 4 बजे और मैं सरगी खा रही हूँ, ठीक है? मुझे किचन से आवाज आई और मुझे ये आवाज स्वाति की लग रही है, एक बार देखना जाके। देखता हूँ। हाँ क्या कर रही यहाँ पे तू? वो भैया, वो मैं क्या वो मैं लगा रखा है? वो भैया कुछ भी तो नहीं, मुझे ना भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने आई थी। अच्छा, ये तेरा कोई करवा चौथ वगैरह का तो चक्कर नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो मुझे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, अपना करियर बनाना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ये सब करने की उम्र नहीं है मेरी। कैसी बातें कर रहे हो आप? देख लियो, ध्यान रखियो, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मम्मी और दादी को बता दूंगा, फिर देखियो तेरी खटिया खड़ी कर देंगी दोनों मिलके। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बस भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने आई थी। खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, बहुत तेज भूख लग रही है यार, खाऊं या ना खाऊं, थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा आज व्रत है, ये सब नहीं खाना। लाओ इधर दो। सॉरी। चुपचाप ये पैकेट इधर दो। प्यास के मारे गला सूख रहा है। बढ़िया बोतल है, पी लो। नहीं नहीं काम करो, पी लो
तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम अपना व्रत तोड़ दो और मैं मर जाऊं। अरे मुझे पता है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मुझे पता है ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ, मैं तो बस इसे स्मेल कर रहा था, स्मेल तो कर ही सकता हूँ, सूंघ रहा था सिर्फ। लो रख दिया। ओ बेटे बड़ा पाव। हाँ हाँ ठूस लो, एक काम करो तुम इसे ठूस ही लो। तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम इसे खा लो, अपना व्रत तोड़ दो और मैं मर जाऊं। अरे नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू फालतू में गुस्सा कर रही है यार। अच्छा अब मैं फालतू में गुस्सा कर रही हूँ? अरे जब व्रत रखा है तो उसे पूरा करो ना, ये क्या कभी ये खा रहे हो कभी वो खा रहे हो? हा? इस व्रत में ना तो तुम खा सकते हो ना ही पानी की एक बूंद पी सकते हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ खाते हुए देख लिया ना फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है मैंने व्रत रखा है और मैं क्यों अपना व्रत तोड़ूंगा, मैं क्यों तुझे मारना चाहूंगा यार। और ये तो मैंने बाहर कुत्ते को डालने के लिए निकाला था। अच्छा अगर मैंने तुम्हें कुछ खाते हुए देख लिया ना तो तुम्हारा कुत्ता तो अभी मैं बनाऊंगी। चलो रखो अभी से। क्या करूं यार क्या करूं, बहुत तेज भूख लग रही है, ये भूख अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करूं क्या करूं, ये भूख मेरे बर्दाश्त से बाहर है। आइडिया, अरे 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 ये ऑफिस के कपड़े पहन के इस टाइम कहाँ जा रहे हो तुम? बेबी ऑफिस के कपड़े पहन के तो ऑफिस जाऊंगा ना, अरे एक्चुअली बॉस का फोन आया था, वो एक ना बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट प्रोजेक्ट आया है तो उसी पे काम करने के लिए जाना है, अब इम्पोर्टेंट है तो जाना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है जाओ, पर देखो वहाँ जाके गलती से कुछ खा पी मत लेना। हाँ और हाँ मैं तुम्हें बीच बीच में कॉल करके याद दिलाती रहूंगी, देखो अगर तुमने अपना व्रत तोड़ा ना तो मर जाऊंगी मैं। यही तो मैं चाहता हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं मैंने कहा कुछ कहा, बाकी तुम टेंशन मत करो मैं ध्यान रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है अभी मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। वाह भाई वाह, सिब्बू को गोली देके मजा आ गया, अगर घर पे रहता ना तो यार भूख के मारे ना मेरी जान ही निकल जाती, लेकिन ऑफिस जाऊंगा दबा के पेल के पेट भर के खाऊंगा। यस हां भाई, कहां जा रहा है, ऑफिस जा रहा है क्या? अबे तुझे कैसे पता बे? अबे क्योंकि हम भी तो वहीं जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई देख, जो काम ऑफिस में तू करने जा रहा है वही काम हम करने जा रहे हैं। और वैसे भी भाई हमारी बीवी ने भी ना जबरदस्ती करवा चौथ रखवा रखा है। हाँ भाई मैंने तो इस करवा चौथ के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं यार। ऐसा है क्या, चलो फिर आओ। आए हाय इतने सारे नमकीन बिस्किट और ये तो पड़े पड़े एक्सपायर भी हो गए, और आज तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, आज तो इन एक्सपायर आइटम को भी देख के खाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, आज मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है। नजदीकियां बढ़ जाने दे। अरे वाह लाल लाल मीठे मीठे ताजा ताजा सेब, वैसे तो ये पड़े पड़े फ्रिज में डेली सड़ते रहते हैं लेकिन आज तो इनको देख के बहुत ही ज्यादा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है। अरे वाह कितना ज्यादा टेस्टी खाना बना है, मैं खा नहीं सकती पर स्मेल तो कर ही सकती हूँ ना, मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है। चलो भाई अपना अपना खाने का सामान निकालो और खाना स्टार्ट करते हैं। एक एक मिनट, बीवी का फोन है यार। हेलो हेलो क्या कर रहे हो? अरे यार मैं अभी ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे अरे
हाँ क्या हुआ? देखो गलती से कुछ खाना मत। अरे नहीं खा रहा यार कुछ भी, ऑफिस में थोड़ी ना कुछ खाऊंगा यार, ऑफिस में काम करने के लिए आया हूँ ना मैं, बिजी हूँ। चलो बाद में फोन करूंगा आपको। बड़ा हरामी हो बेटा। हैप्पी करवा चौथ डे भाई। अबे हैप्पी करवा चौथ डे नहीं भाई, हैप्पी ब्लैक डे बोल। चलो अब खाना निकालो। तू क्या लाया वैसे? टेम्पू। अरे आगे तुम ला लो, ये बैग मुझे दो और जाओ तुम फटाफट से चेंज कर लो, मैं भी जाके रेडी हो जाती हूँ और जैसे चांद निकलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर चल के दोनों व्रत खोलेंगे। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। बोलो ना तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ हाँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा ना। चलो मैं चेंज वेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो और जैसे चांद निकलेगा मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ जाओ जाओ। ले भी तारिया बन गई गल। हाँ भाई क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया टीवी देख रही हूँ। अरे यार तेरी भाभी ने तो जबरदस्ती मेरा करवा चौथ का व्रत रखवा दिया। देख मैं तो कुछ खा नहीं सकता पर तुझे तो भूख लगी होगी, तू तो खा ले। अरे मम्मी इसका खाना डाल दो। वो भैया मेरे ना दांत में दर्द है तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। अज्ञात सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आजकल की लड़कियां दांत में दर्द का बहाना बनाकर रख रही है करवा चौथ का व्रत। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी गर्मा गर्म न्यूज देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एक्सपोज न्यूज। अच्छा बेटे तू तो गई। रचित रचित जल्दी आओ छत पे चलते हैं, देखो चांद आ गया, जल्दी चलो छत पे। पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है क्या? जल्दी चलकर आओ ना, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। अब चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। टेम्पू। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे पानी पिलाओ ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। ये व्रत खोल के मुझे नीचे जाके खाना भी खाना है, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी पिलाओ जल्दी पिलाओ। हाँ 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 रुक जा। अरे आराम से मिठाई खिलाओ। यार थोड़ी सी क्यों खिला रहे हो, पूरा खिलाओ ना। चलो जल्दी जल्दी खाओ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? हाँ मुझे भी लगी है। खा लो। क्या हुआ खाओ ना। हाँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ। अरे क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रहे हो? वो एक्चुअली ना पेट थोड़ा सा अपसेट है इसलिए थोड़ा खाने का मन नहीं कर रहा। एक मिनट ये क्या था डकार? तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो ये तुम डकार क्यों ले रहे हो? अरे वो एक्चुअली ना सुबह से खाली पेट हूं ना, कुछ खाया नहीं है ना तो इसलिए ये खाली पेट वाली डकार थी, खाली पेट वाली। अच्छा खाली पेट की डकार कैसी होती है और कैसी नहीं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि खाली पेट की डकार में शाही पनीर और दाल मखनी की स्मेल नहीं आती। ओह अच्छा मतलब कि ये जो तुम बॉस की कॉल का बहाना बनाकर ऑफिस गए थे तो ये तुम खाना खाने गए थे ना। वाह बेटा वाह, बहुत तेज हो तुम तो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। अरे मैं कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं ऑफिस काम से गया था, सच में मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। और वैसे भी एक बात बताओ, ये करवा चौथ वाले दिन ये अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है, ये मारने पीटने की धमकी कौन देता है? पति देव करवा चौथ तो गया और व्रत भी खोल लिया मैंने, जितनी रिस्पेक्ट देनी थी दे ली,
जितने पैर छूने थे छू लिए, अब आ जाओ बैक टू नॉर्मल लाइफ। और तुम्हें तो पता है कि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है। क्या होता है? प्लेट नीचे रख। तुम्हारी कुटाई। क्या फायदा? हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस इसको प्लीज भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब कर दो। और बहुत ज्यादा रिलेटेबल वीडियो थी ना, ऐसा लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती है। और जितने भी निब्बा निब्बी है ना, कमेंट कर दो भाई अपने अपने बॉय प्लान गर्ल प्लान का नाम। और भाई कलवा तोत का व्रत लगोगे नहीं लगोगे वो भी बता दो बिल्कुल कमेंट में, किसी के मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा। जस्ट किडिंग दोस्तों, बहुत मेहनत करी इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और अपने रिव्यूज मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हैप्पी करवा चौथ सबको, जितने भी मैरिड लोग हैं, और तब निब्बा निब्बी को भी मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, ठीक है, बाय बाय, लव यू।